बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं FIA इंस्पेक्टर का पेपर बैच 3 का, जो कि बेसिकली हेल्ड किया गया था 21 अगस्त 2023 को, और बेसिकली ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अवर वीडियो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो उससे प्रीवियस पार्ट में हमने जो है फर्स्ट 25 MCQs को कवर करने की कोशिश की थी, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम 25 से ऑनवर्ड MCQs को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं 26 नंबर MCQs पे। तो अगर 26 नंबर MCQs पे आए तो बेसिकली लिखा हुआ है कि द नेशन ऑफ समूद वॉज प्रीस्ड बाय डैश, तो डिफरेंट ऑप्शन है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। तो बेसिकली जिसका राइट ऑप्शन है वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम है। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि विच मेटल पलूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी, यानी ऐसा कौन सा मेटल है जो एयर को बहुत ज़्यादा जो है पलूट कर रहा है, आइदर क्रोपर, क्रोमियम, लेड या कैंडियम। तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो लेड है। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि द गैस यूज इन डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग वुड इंक्लूड, यानी कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम बिल्डिंग करते हैं उनमें कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, आइदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, आइदर ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटाइलिन एंड नाइट्रोजन, आइदर ऑक्सीजन एसिटाइलिन इन ऑर्गन या आइदर ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा गैस यूज होती है वो ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन। ठीक है, फिर मूव करते हैं फर्दर नेक्स्ट एक MCQ की तरफ की है, हेब्रिनिया वॉज रोमन नेम ऑफ विच कंट्री, तो हेब्रिनिया किस कंट्री का नाम है, आइदर आयरलैंड, आर्मीनिया या अर्जेंटीना। तो बेसिकली जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं कि अमार इब्न अली जो है वो इन्वेंट, उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, बेसिकली उन्होंने जो है वो क्या चीज़ दरियाफ्त की थी, तो उन्होंने बेसिकली सिरिंज को दरियाफ्त किया था। ठीक है, जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं। फिर फर्दर मूव करते हैं कि इब्न सीना फेमस फॉर, यानी इब्न सीना किस जो है वो फील्ड में एक्सपर्ट था, किस फील्ड में फेमस था, आइदर मेडिसन की, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली इब्न सीना इज फेमस इन मेडिसन। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि एलुमिनियम पाउडर एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड, यानी एलुमिनियम का जो पाउडर होता है और नाइट्रेट का पाउडर, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, उसको बेसिकली हम बोलते हैं अमनोल। ठीक है, या अमोनिया या यूरिया, तो बेसिकली उससे मिलकर हमारे पास क्या बनता है, अमनोल। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं कि सेमी कंडक्टर बैंड गैप, सेमी कंडक्टर बैंड एनर्जी गैप बेसिकली कम्प्लीटली फील्ड होता है, हाफ फील्ड होता है या नन ऑफ दिस, तो बेसिकली वो हाफ फील्ड होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो उसमें जो है वो वैलेंस बैंड हाफ फील्ड होता है और आधा कंडक्शन बैंड फील्ड होता है। फिर लेज़र इज बेसिकली, लेज़र बेसिकली कौन सी लाइट है, कोहेरेंट लाइट, इनकोहेरेंट लाइट या ऑर्डिनरी लाइट या नॉन ऑफ दिस। तो बेसिकली लेज़र इज लाइट एम्पलीफिकेशन, सेम्यूटेशन, एम्पलीफिकेशन, रिपल्जन इज बेसिकली जो है वो कोहेरेंट लाइट। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं कि ट्रीटियम, ट्रीटियम बेसिकली आइसोटॉप ऑफ जो है वो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। तो बेसिकली प्रोटियम में वन प्रोटॉन होता है, ड्यूट्रियम में जो है वन प्रोटॉन वन न्यूट्रॉन एंड ट्रीटियम में वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन होता है, तो जिसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वन प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ कि हु इज़ द करंट फॉरिजन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि करंट का जो है इंडिया का फॉरिजन मिनिस्टर कौन है, तो बेसिकली वो क्या है, अमित शाह या जयशंकर या स्वराज या नॉन ऑफ दिस, तो बेसिकली वो क्या है, जयशंकर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ के इन विच इस्लामिक मंथ फर्स्ट वाइव वॉज डिसेंडेड, यानी इस्लाम मतलब कि कौन सा इस्लामी महीना था जिसके अंदर जो है फर्स्ट वही उतारी गई थी, जिसकी कुछ आयात ये थी कि इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि पढ़ अपने परवरदगार के नाम से जिसने तुम्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आयत आई थी ये किस महीने में नाजिल हुई थी, रजब में, सफ़र में, रबी उस्सानी या रमज़ानुल मुबारक। ठीक है, तो बेसिकली वो नाजिल हुई थी रमज़ानुल मुबारक में। ठीक है, तो जो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं कि 45% ऑफ 100, यानी 45 और डिवाइडेड बाई 100 का जो परसेंटेज कन्वर्ट होती है वो क्या होती है, 45% बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट MCQs है जिसका राइट ऑप्शन मुझे, मैंने बड़े ढूंढा लेकिन मिला नहीं है, कि ही इज डैश एट कॉपिंग, अडॉप्ट, एडिपेट या एडेप्ट या नॉन ऑफ दीज, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट MCQ की मूव कीजिए, तो फ्लैग लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ जो है 60 सेंटीमीटर रेशियो, तो 40 सेंटीमीटर रेशियो 60 सेंटीमीटर, जब इसको रेशियो में कन्वर्ट किया जाएगा तो 2:3 आ जाएगा,
बेसिकली डिफरेंट ऑप्शन आ रहे थे, तो उसमें जो राइट ऑप्शन बना था उधर पेपर में वो नन ऑफ दिस था, तो उसको वो ऑप्शन मेरे जहन में नहीं, लेकिन जो राइट ऑप्शन था वो बेसिकली क्या था, 2:3। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं कि फाउंडर ऑफ बैतुल मुकद्दस, यानी बैतुल मुकद्दस का फाउंडर कौन है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लिखा हुआ था, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो बेसिकली जो है बैतुल मुकद्दस का फाउंडर कौन है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, फिर मुहाते मदीना जिसको ब्रदरहुड बोलते हैं, जिसके अंदर जो है वो महाजरीन अनसार ने एक मिसाल कैम भी थी, वो किस हिजरी को टेक प्लेस हुआ था, फर्स्ट हिजरी, सेकेंड हिजरी, थर्ड हिजरी या फोर्थ हिजरी। तो बेसिकली मुहाते मदीना टेक प्लेस इन फर्स्ट हिजरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द कंटेम्पटेंट ऑफ मजालिस शौरा। ठीक है, तो मजालिस शौरा पार्लियामेंट का जो है वो उसका बेसिकली सजा क्या है, बेसिकली उसका सजा क्या है, 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट एंड 1 million rupees फाइन, यानी 6 महीने की कैद और 1 million rupees जो है वो सजा, यानी 10 लाख रुपया। ठीक है, फिर लॉस्ट टाइटेनिक सबमरीन नेम, जो मतलब कि लास्ट टाइम जो सबमरीन डूबी थी टाइटेनिक में, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था बेसिकली ओशियन गेड। ठीक है, उसके बाद शी इज सक्सेड बाई डैश कंटिन्यूस वर्क या वर्किंग या नन ऑफ दी, तो जिसका राइट ऑप्शन है वो बेसिकली क्या है, वर्किंग। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिश्यू, यानी इनमें से कौन सा टिश्यू है, ब्लड, लंग, किडनी या पेंसिलियास, तो बेसिकली ब्लड इज द टिश्यू। ठीक है, तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने जो है एमसीक्यू नंबर जो है 26 से लेके 46 तक 20 एमसीक्यूज को डील किया, तो बेसिकली इसके अंदर कुछ एमसीक्यूज में एरर एंड ओमिशन पॉसिबल हैं। तो उसके अलावा अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ कंफ्यूजन क्रिएट करी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और पेपर को डील करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।